आशिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ सरोजनी नगर हॉल। आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर वन ईयर मैं फाइनली सरोजनी गई और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। आपको पता है दैट सरोजनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज टू शॉप फ्रॉम। एंड इस बार मैं इतने दिनों के बाद गई ना कि मैंने देखा मार्केट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बट आई फाउंड सम रियली अमेजिंग शॉप्स जहाँ से मैं हर बार शॉप करती थी एंड काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ देखते रहो, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सबसे पहले जो मैंने आउटफिट पहनी हुई है ना, इसको आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द शॉर्ट्स वीडियो। इसमें मैंने 500 रुपीज चैलेंज किया था, सो दिस इंटायर आउटफिट इज फॉर रुपीज 500। गाइज इतनी अच्छी चीजें आपको मिल जाती है सरोजनी में, दैट्स वाई इट्स माई फेवरेट प्लेस। ऐसे क्रॉप टॉप्स आपको लिटरली हर कलर और प्रिंट में मिल जाएंगे ओनली फॉर रुपीज 100। एंड एक बहुत अच्छी शॉप है फॉर स्कर्ट्स, वहां से मैंने भी एक और स्कर्ट ली है जो मैं आपको दिखाऊंगी, विच इज ऑपोजिट बिग सी। तो वहां से मैंने ये कॉर्डरॉय ग्रीन स्कर्ट भी ली थी विच इज अमेजिंग। अच्छी बात यह है कि मेरे साइज का मिल गया, एकदम परफेक्ट फिटिंग है इसमें, मुझे कुछ टेलर से फिटिंग वगैरह नहीं करानी पड़ी। बस सरोजनी से लेने का यही ट्रिक है कि आप अपने साइज मेजरमेंट सब लेके जाओ अच्छे से, एंड कोई भी आइटम परचेज करने से पहले आप उनसे वो मेजर करा के ही लो, उसका आप ध्यान रखा करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर हॉल। नाउ सबसे पहले इस बार मैं गई तो मुझे एक 80 रुपीज वाला वहां स्टॉल दिखा जहां पे बहुत सारे डिफरेंट क्रॉप टॉप्स थे, टॉप्स थे, शर्ट्स थे, एंड उसमें से मैंने दो टॉप्स लिए हैं ओनली फॉर रुपीज 80। आई मीन 80 रुपीज में क्या मिलता है। बट आई फाउंड दिस रियली क्यूट सा क्रॉप टॉप इन दिस ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। नाउ आपको पता होगा, आपने नोटिस किया होगा दैट आई रियली लव लेयरिंग, स्पेशली अभी विंटर सीजन आ रहा है तो ब्लेजर्स के अंदर या जैकेट्स के अंदर, डेनिम जैकेट्स के अंदर स्पेशली ऐसे कैमी टॉप्स या क्रॉप टॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई गॉट दिस की फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है एंड इट इज जस्ट वेरी फ्लैटरिंग। एंड मे आई रिमाइंड यू दिस वॉज ओनली फॉर रुपीज 80। द सेकेंड टॉप दैट आई गॉट फ्रॉम द सेम स्टॉल फॉर 80 रुपीज वॉज दिस। जस्ट लुक एट इट, दिस इज सो क्यूट इन माई फेवरेट लैवेंडर कलर। आपको पता है ऐसे कलर्स मुझे कितने पसंद है। आई लव नेक पे और स्लीव पे जो लेस डिटेलिंग है। आई एक्चुअली सॉ समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस ऑन अर्बैनिक वंस, तो मुझे ये देख के वैसा ही लगा। अगेन समथिंग वेरी अप्रोप्रिएट फॉर लेयरिंग, और यू कैन वेयर इट एज इट इज, आपकी मर्जी। बट येस दिस इज अगेन वेरी क्यूट। ये स्पेगेटी टॉप है, दिस इज नॉट क्रॉप्ड, बट इसको टक इन करके हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहनो तो इट विल लुक रियली रियली स्मार्ट। सो येस आई गॉट दिस। नेक्स्ट जो मैंने एक चीज देखी इस बार मार्केट में, आपको प्लेन शर्ट्स बहुत सारे कलर के मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स के, सूदिंग कलर्स के। एंड अगेन शर्ट इज समथिंग जो बहुत अच्छा लगता है क्रॉप टॉप्स के ऊपर लेयर करो या एज इट इज पहनो, अगर आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है तो उसमें भी बहुत स्मार्ट लगता है। सो दिस टाइम आई गॉट दिस ब्लैक शर्ट, और इसका जो फैब्रिक है ना, इट्स नॉट कॉटन, इट्स काइंड ऑफ सैटिन वाला फैब्रिक, तो थोड़ा ऐसा फैंसी भी लगता है। एंड दिस वॉज फॉर ओनली रुपीज 250, एंड इसमें बार्गेनिंग नहीं की उन्होंने, उनका फिक्स प्राइस था, विच इज एक्चुअली प्रीटी अफोर्डेबल फॉर सच क्वालिटी शर्ट। एंड इसमें आपको बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, पिंक, पिस्ता ग्रीन, ब्लू, मरून, एनी कलर दैट यू वॉन्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। और मार्केट में मुझे और भी बहुत सारी जगह ऐसे शर्ट्स दिखे, प्रिंटेड भी थे, प्लेन भी थे। द नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव हियर आर दीस पेयर ऑफ डेनिम जीन्स। नाउ जब भी सरोजनी से ये जीन्स वगैरह लेनी होती है ना, तो बहुत ज्यादा डाउट होता है कि इनकी फिटिंग कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, बट अगर आप अच्छे से ढूंढ के लो, अगेन अगर आप मेजर करवा के लो, तो आपको अच्छे पीसेस मिल सकते हैं। नाउ द जीन्स दैट आई हैव हियर, इसमें फॉरएवर 21 का टैग लगा है, सो ऑफकोर्स दिस इज थ्रिफ्टेड, बट आपको ऐसे ही ज़ारा, H&M और फॉरएवर 21 के कुछ इक्के दुक्के पीसेस अगर आप अच्छे से ढूंढो तो मिल जाएंगे सरोजनी में। नाउ मुझे ना ऐसा ब्लैक रिप्ड डेनिम जीन्स चाहिए था, आई डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दिस इन माय वार्डरोब, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा। सरप्राइजिंगली इसकी फिटिंग भी अच्छी है, आई जस्ट नीड टू गेट इट अ लिटिल बिट ऑल्टर्ड। उसके अलावा दिस इज वेरी स्मार्ट, अगेन समथिंग विच इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर योर कैजुअल लुक्स, कैजुअल आउटफिट्स। आई ऑल्सो लव इसके ऊपर ये जो भी रिप्ड डिटेलिंग दी हुई है ना, ये ज़्यादा भी नहीं है बट उतनी है जिससे यू नो वो एजी वाला लुक आ रहा है। सो आई लाइक इट, आपको कैसी लगी मुझे बताना। आई गॉट दिस फॉर 250 और 300 रुपीज, आई थिंक 300 रुपीज उन्होंने बार्गेन ज्यादा किया नहीं था, या 300 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छी जीन्स है। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव हियर इज दिस प्रिटी सा वाइट टॉप, एंड दिस आई गॉट फॉर 250 रुपीज। नाउ ये फिक्स प्राइस वाले शॉप से ही मैंने लिया था, शॉप नंबर अगेन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी अगर मुझे मिल गया तो। शॉप पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी के क्रॉप टॉप्स, ऐसे काइंड ऑफ टॉप्स, शर्ट्स, ड्रेसेस मिल जाएंगे। बट या कमिंग टू दिस टॉप, मैंने ऐसा एक सिमिलर टॉप ज़ारा में देखा था एंड आई रियली लव द स्टाइल,
तो मैंने सोचा कि इसको लेके देखते हैं. सरप्राइजिंगली इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है. तो क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली नाइस यार. मतलब वाइट कपड़ों के साथ यही होता है दैट समटाइम्स द फैब्रिक इज अ लिटिल ट्रांसलूसेंट एंड देन इट डजंट लुक दैट फ्लैटरिंग, बट इसका फैब्रिक इज प्रिटी डिसेंट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉप इज कि आपको वेस्ट में ना ऐसा इलास्टिक वेस्ट दिया है जिसकी वजह से एकदम सिंच्ड लुक आता है एंड ऊपर से ऐसा वी नेक है. सो आई लव द सिलुएट ऑफ दिस टॉप. इट्स गॉट स्लाइटली पफी स्लीव्स व्हिच आल्सो लुक्स प्रिटी नाइस. फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है एंड द फैब्रिक इज आल्सो रियली नाइस. अच्छा डिसेंट कॉटन मटेरियल लग रहा है. सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट दिस. सो द नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव हियर इज दैट नाइट सूट दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट. तो मैंने इसको लिया इस प्यारे से मरूनिश बर्गंडी कलर में व्हिच इज वेरी नाइस. एक्चुअली इसका कलर काफी अच्छा लग रहा है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो इसका फैब्रिक इतना अच्छा नहीं है. जितना आपको ये दिखने में ऐसा प्यारा सा सैटिन और सॉफ्ट सा दिख रहा होगा उतना सॉफ्ट नहीं है. ऑफ कोर्स क्योंकि ये 300 रुपीस का है तो क्वालिटी में थोड़ा तो होगा ना, बट लुक वाइज दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. तो अगर आपको शौक है क्यूट क्यूट नाइट ड्रेसेस पहनने का, आपको कलेक्शन चाहिए, तो आपको सरोजनी में लिटरली हर दूसरे शॉप पे ऐसे सैटिन नाइट सूट फुल में, मैंने ये शॉर्ट्स वाला लिया है पर आपको फुल पजामे वाले भी मिल जाएंगे एंड प्रिंटेड स्टाइल में मिल जाएंगे, स्पेगेटी वाले मिल जाएंगे. तो बहुत सारे आपको नाइट सूट्स वहाँ अवेलेबल मिलेंगे. तो क्वालिटी इज ओके ओके, आप इतना एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना. आई थिंक वॉश होने के बाद दिस विल गेट बेटर बट अभी ये स्लाइटली ऐसे स्टिफ है. नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव हियर इज दिस रियली प्रिटी ड्रेस एंड मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा. दिस सॉर्ट ऑफ गिव्स यू नो इंडो वेस्टर्न वाइब एज वेल. तो अगर कहीं सिंपल लुक करना हो ना इंडो वेस्टर्न, तो इसमें इयररिंग्स वगैरह डाल के ऊपर डेनिम जैकेट और कोल्हापुरी इसके साथ स्टाइल करोगे ना तो बहुत ही क्यूट सा इंडो वेस्टर्न और बोहो सॉर्ट ऑफ अ लुक बन जाएगा. तो वो सोच के मैंने ये वाला कलर पिक किया है. इसका जो नेकलाइन है वो बहुत ही प्यारा स्क्वायर नेकलाइन है. पीछे वो इलास्टिक वाली चीज है जिसके वजह से अगेन वो सिंच्ड वाली फिटिंग आती है. आई लव द लूज लूज सी स्लीव्स. दिस इज अ वेरी इजी ब्रीजी सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस. इसकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि बैक पे इसके ये टाई अप डिटेल दिया हुआ है. तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से आउटफिट में और क्यूट टच मिलता है. एंड एक और इसकी जो बहुत अच्छी बात है वो है इसका फैब्रिक. मैं सच बता रही हूँ इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वो प्यारा वाला कॉटन मटेरियल का है. दिस इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर समर सीजन या फिर कहीं वेकेशन पे जाओ तब, बट अभी भी मैं इसको एक आध महीने तो पहन सकती हूँ जब तक विंटर्स नहीं आ जाती. तो यस एंड आई गॉट दिस फॉर ओनली ₹250. सो द नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव हियर इज दिस ब्लैक डेनिम स्कर्ट. नाउ ये मैंने उसी शॉप से लिया है जिससे मैंने ये ग्रीन वाली स्कर्ट ली थी. एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे पास जितनी मेजोरिटी ऑफ स्कर्ट्स है ना, और मुझे आप लोग पूछते भी हो कि ये कहाँ से है, वो ज्यादातर सरोजनी की ही होती है. इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको लिटरली हर वैरायटी और पैटर्न और स्टाइल की स्कर्ट्स मिल जाती हैं और ये अफोर्डेबल प्राइस पे. तो इस बार तो मैं प्लेन स्कर्ट्स लाई हूँ पर वहां पे आपको चेक्स वाली स्कर्ट या फिर लेस वाली स्कर्ट या फिर डेनिम स्कर्ट हर वैरायटी की मिल जाती है. बट एनीवे कमिंग टू दिस वन, ये मिनी स्कर्ट है, इसके आगे ये पॉकेट वाला इल्यूजन है. दिस इज नॉट रियल पॉकेट बट द लुक इज वेरी क्यूट. क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छे क्वालिटी का डेनिम है. पार्ट इज कि इसके अंदर आपको लाइनिंग मिली है, सो दैट इज वेरी नाइस. क्योंकि अक्सर होता है कि नहीं मिलती है सरोजनी के कपड़ों में लाइनिंग, बट इसी से आपको इसकी क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी अच्छी है. नाउ इसकी फिटिंग भी मेरे ऊपर बहुत अच्छी आई है एंड दिस इज सच अ नाइस बेसिक पीस टू हैव. मुझे लगता है ब्लू डेनिम स्कर्ट हो और ब्लैक डेनिम स्कर्ट हो देन यू आर सॉर्टेड. आपके बहुत सारे आउटफिट्स बन जाएंगे. This skirt was again for only ₹200. Next, let me share some bags that I got this time. So this is the first one. ये black tote bag है, sort of medium size वाला. And इसका सबसे cute element है ये छोटा सा टाई अप डिटेल. रिबन की वजह से इसमें एक पॉप ऑफ कलर आ रहा है एंड एक क्यूट सा लुक मिल रहा है. और ये सेम बैग आपको बहुत सारे और कलर्स में मिल जाएगा. सो दिस बैग वॉज ओनली फॉर ₹300 एंड आई थिंक ये बहुत ही अप्रोप्रिएट बैग है अगर आपको ऑफिस बैग चाहिए या फिर कॉलेज के लिए भी. ये काफ़ी डिसेंट साइज का अच्छा बैग है बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेशियस टू एंड यू गॉट मल्टीपल कंपार्टमेंट्स इन साइड. तो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपना सब कुछ इसमें रख सकते हो. सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल येट क्यूट सा बैग. दिस इज द बैग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. You guys know that bags are my weakness. अगर मुझे कहीं भी अपने पसंद के या कुछ different style के cute bags दिख जाते हैं तो मुझे लेने का मन हो ही जाता है. I got this really प्यारा सा metallic holographic
पिंक कलर में बैग। इस बैग को देखते ही ना मुझे पू की याद आई फ्रॉम K3G। वैसे ही नहीं लग रहा है, एकदम पू के स्टाइल वाला बैग लग रहा है। इस बैग का पूरा शेप बहुत अच्छा है, इट्स वेरी स्टर्डी एंड इसका स्ट्रैप, इट हैज गॉट दिस लिटिल स्ट्रैप, Y2K स्टाइल वाला बैग है ये। सो यस, आपको ये बैग कैसा लगा मुझे बताना, बट आई गॉट दिस अगेन फॉर 300 rupees ओनली। सो द नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव हियर इज अगेन फ्रॉम दैट 100 rupees वाला स्टॉल एंड आई गॉट दिस रियली नाइस व्हाइट स्वेटर वेस्ट। अगेन विंटर्स आ रहे हैं तो उसका सोच के लिया है फॉर लेयरिंग। स्वेटर वेस्ट वगैरह बहुत क्यूट से लगते हैं जब आप उसको स्टाइल करते हो अच्छे से। आई विल प्रॉब्ली स्टाइल विद फुल स्लीव टी शर्ट और अ शर्ट, दिस विल लुक रियली रियली क्यूट। नीचे चेक्स वाली स्केटर स्कर्ट पहन लो तो कितना क्यूट वो के ड्रामा सॉर्ट ऑफ वाला लुक बन जाएगा। सो लास्टली कमिंग टू टू ऑफ माई फेवरेट पीसेज दैट आई गॉट दिस टाइम। नाउ दिस आई गॉट फ्रॉम अ शॉप जहाँ पे पर्टिकुलरली H&M और ज़ारा के ड्यूप टॉप्स मिलते हैं। मैं शॉप नंबर डाल दूंगी यहाँ पे। बट उस शॉप पे ना बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ड्यूप्स मिलते हैं सच में, क्योंकि आप देख रहे हो ये बहुत ही प्यारा पेस्टल येलो टॉप लिया है मैंने। इसमें ज़ारा का टैग भी लगाया है, एज यू गाइस कैन सी। आई नो दिस इज नॉट रियल, दिस इज फेक, बट द डिजाइन एंड द स्टाइल एंड द सिलुएट एंड द फैब्रिक इज वेरी वेरी सिमिलर टू ज़ारा का एक्चुअल टॉप। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बटन अप है, सो आई कैन वेयर इट एज इट इज, और इफ आई वॉन्ट टू वेयर इट विद अ ट्यूब टॉप अंडरनीथ तो मैं बटन खोल के भी पहन सकती हूँ। एंड द लास्ट पीस दैट आई हैव हियर इज अगेन फ्रॉम ज़ारा, बट आई गॉट दिस टॉप एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा सेम टॉप देखा है ज़ारा के स्टोर पे, उसका एक ही पीस वहाँ पे रखा था, सो आई गॉट दिस। मतलब मुझे लगा यार ये ले ही लो। इसका कलर बहुत प्यारा है, प्यारा सा टर्कोइज ब्लू कलर एंड अगेन समथिंग विच विल लुक वेरी क्यूट अंडरनीथ अ ब्लेजर और अ जैकेट स्पेशली इन विंटर्स। तो ये मैंने ले लिया एंड बोथ ऑफ दीज टॉप्स वर फॉर ₹200 each विच इज अगेन वेरी अफोर्डेबल फॉर सच गुड क्वालिटी क्रॉप टॉप्स। या गाइज दैट वर ऑल द आइटम्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज दिस टाइम। आई रियली होप आपको आज का हॉल पसंद आया होगा। मैंने जितनी शॉपिंग की है उसमें से आपका फेवरेट आइटम कौन सा था मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड या गाइज आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन द कॉमेंट सेक्शन लेट मी नो कि आपको आगे और कैसे वीडियोज देखनी है। या गाइज आप लोग अपना ध्यान रखो एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।